नमस्कार, मैं हूं लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है वर्ष 2024 में मार्गशीर्ष माह की शुरुआत कब हो रही है और इस माह में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मार्गशीर्ष के महीने को हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने की शुरुआत कब हो रही है और इस माह में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं विस्तार से। मार्गशीर्ष हिंदू कैलेंडर का नौवां महीना है। इसे सभी महीनों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, इसलिए धार्मिक रूप से इस महीने का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये महीना अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नवंबर दिसंबर के मध्य में आता है। साल 2024 में इस महीने की शुरुआत कब हो रही है और मार्गशीर्ष के इस माह में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। हिंदू पंचांग के नौवें महीने मार्गशीर्ष की शुरुआत वर्ष 2024 में 16 नवंबर से होगी। इस दिन शनिवार है। विधि पूर्वक इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना के साथ आप इस माह की शुरुआत कर सकते हैं। मार्गशीर्ष महीने की समाप्ति 15 दिसंबर 2024 को होगी। मार्गशीर्ष महीने में क्या करें। मार्गशीर्ष का महीना भगवान कृष्ण को समर्पित है। इस महीने में अगर आप दान पुण्य करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। इस माह में आपको प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्वच्छ होने के बाद आप गीता, रामचरितमानस जैसी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन इस माह कर सकते हैं। ऐसा करने से प्रभु की इस ईमन कुंपा आपको प्राप्त होगी। मार्गशीर्ष के महीने को ध्यान और साधना के लिए भी बेहद खास माना गया है। इस माह में ध्यान करने से आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। आपका अध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है और बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि होती है। इस माह में आपको अन्न, घी, दूध आदि का सेवन करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य लाभ होता है। साथ ही इन चीज़ों का दान भी आप कर सकते हैं। इन चीज़ों के दान के साथ ही जल का कलच, चंदन, कपड़े, कंबल, अन्न आदि का दान करने से भी आपको लाभ होता है। मार्गशीर्ष महीने में भगवान कृष्ण और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिल सकती है। ऊपर बताए गए कार्य मार्गशीर्ष के महीने में करने से आप जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति पा सकते हैं। मार्गशीर्ष के महीने में क्या ना करें। जो लोग इस महीने में व्रत रखते हैं उन्हें व्रत के नियमों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी तरह की भूल करने से बचना चाहिए। इस माह में जीरे का सेवन करना भी वर्जित माना जाता है। मार्गशीर्ष के महीने में अनैतिक या पवित्र कार्यों को करने से बचना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण को समर्पित ये माह अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस महीने में क्रोध, कटुवाणी और नकारात्मक विचारों से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। इस माह में आपको वासना जनित विचारों को खुद पर हावी ना होने दें। ऐसे विचारों से बचने के लिए ध्यान का सहारा आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।